हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इसका नाम बिशु ऑप्शन ट्रेड। जैसे फ्रेंड आपको पता होगा, मेरे चैनल पे आपको रेगुलर बेस पे वैकेंसी के अपडेट मिलते रहते हैं, साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट भी करा रहा हूँ ताकि आपकी एग्जाम जो क्लियर हो सके। तो फ्रेंड आज जिस वैकेंसी की बात करेंगे वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से निकल के आती है, जिसमें ओपन रैली आपको होने वाला है। आप इंडिया के अगर तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इस फॉर्म के लिए, जो फ्रेंड आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करो तो आप जो है इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, ताकि आपके जो किसी भी स्टेट के आपके स्टेट में जब भी इंडियन एयरफोर्स की ओपन रैली हो तो आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी को जरूर डालिए, ताकि रेगुलर बेस पर आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वैकेंसी की अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देख लीजिए, ये जो वैकेंसी निकल के आती है फ्रेंड आपका तेलंगाना स्टेट से निकल के आती है, और तेलंगाना स्टेट से आप जो है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ डिस्ट्रिक्ट का नाम, अगर वो डिस्ट्रिक्ट से जैसे कि यहाँ पे दिया है अल्दीबाद निर्मला, ठीक है, निर्मल कामरान माम जो हो गया, आप इस स्टेट से आप जो बिलोंग कर रहे हो तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। तो फ्रेंड आपको सिंपली क्या है, अनमेरिड होना ज़रूरी है, और इसमें जो जो है आपका वाई एक्स और वाई के ट्रेड्स निकली हुई है, ठीक है फ्रेंड। आपको सुबह 6 बजे रिक्रूटमेंट सेंटर की ओर जाना है और 10 बजे तक, ठीक है फ्रेंड। आपको जो है 1 17 तारीख को जो और 18 तारीख को फिजिकल टेस्ट होने वाला है, फिजिकल टेस्ट और एप्टीबिलिटी टेस्ट होने वाला है, जिसमें आप इस स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल। तो फ्रेंड और डेट ऑफ बर्थ की बात करें फ्रेंड, तो 17 जनवरी 2002 से 30 दिसंबर 2003 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल। तो फ्रेंड ग्रुप वाई की ट्रेड्स की बात करें फ्रेंड, तो आप 10 12 पास हो तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। आप 12 पास किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप फॉर्म इसके एलिजिबल हो, ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड आगे बात करें फ्रेंड, डोमेसाइल रिक्वायर होता है, डोमेसाइल आपको ज़रूरी है एग्जाम सेंटर में ले जाना, ठीक है फ्रेंड। बात करें फ्रेंड जो आगे है मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें फ्रेंड, तो आपका जो है ऑटोटेक के लिए 165 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड। और जो इंडियन एयरफोर्स पुलिस के लिए जो है 157 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है, ठीक फ्रेंड। और आपका जो है रनिंग होने वाला है 1600 मीटर होने वाला है, जो कि आपका 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है फ्रेंड। आगे बात करें फ्रेंड, आपका रिटर्न टेस्ट होगा, जो रिटर्न टेस्ट होगा साथ ही फ्रेंड आपका नेक्स्ट दिन, पहला तो आपका फिजिकल होगा, उसके बाद रिटर्न टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट के बाद एप्टीबिलिटी टेस्ट 1 और एप्टीबिलिटी टेस्ट 2 होने वाला है, ठीक है फ्रेंड। पे एलोवेंस की बात करें फ्रेंड, तो पे एलोवेंस आपको 14,600 रुपये पर मंथ मिलने वाला है ड्यूरिंग जो है आपका ड्यूरिंग आपका ट्रेनिंग, ठीक है फ्रेंड। और आगे हाइट तो बता दिया मैंने फ्रेंड, और सिलेक्शन प्रोसेस जो होने वाला है आपका रिटर्न टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आगे बात करें फ्रेंड, मेकिंग पैटर्न आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें जो आपका नेगेटिव मार्क भी होने वाला है, ठीक है फ्रेंड। नेगेटिव मार्क जो आपका होगा वो आपका 0.25 होने वाला है, यानी 1/4 आपका नेगेटिव मार्क होने वाला है, ठीक है फ्रेंड। और आगे मेडिकल स्टैंडर्ड देख ली, मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका जो है ब्लड ब्लड ये दे दिया हुआ है, मतलब कि ये ब्लड आपका टेस्ट होने वाला है, ठीक है फ्रेंड। और जो आपका जो किस तारीख को जाना है फ्रेंड, तो इसको मैंने शुरुआत में ही बता दिया था फ्रेंड, आपका जो है 18 तारीख 17 तारीख 18 तारीख 19 तारीख 20 तारीख के अंदर आपका जो है रिक्रूट होगा इसी सेंटर में, ठीक फ्रेंड। आशा करता है वीडियो अच्छी लगे, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।